हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो कल लाइटिंग अरेस्टर हमारा टॉपिक चल रहा था। लाइटिंग अरेस्टर हमने दो प्रकार के पढ़ लिए थे, रोड गैप लाइटिंग अरेस्टर एंड हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर। तो आज हमारा टॉपिक पैलेट अरेस्टर का है, पैलेट लाइटिंग अरेस्टर। ये आप चित्र में देख रहे हैं, इधर ये जो चित्र बना हुआ है ये पैलेट लाइटिंग अरेस्टर का है। यहाँ पर तो इसमें क्या है कि इसमें लेड पर ऑक्साइड एक केमिकल होता है, लेड पर ऑक्साइड की कोटिंग कवर रहती है और उस पर वार्निश कर दी जाती है। ये बॉल श्रेणी में वोल्टेज के अनुसार जोड़े जाते हैं। जिस चालक ये देखिए बॉल श्रेणी है, ये डॉट 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 जो ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं ये जोड़े जाते हैं। तो ये वोल्टेज की कोटिंग होती है इसमें परऑक्साइड की, लेड परऑक्साइड की कोटिंग से कवर रहता है और उस पर वर्निश कर दी जाती है। ये बॉल श्रेणी में वोल्टेज के अनुसार जोड़े जाते हैं। जिस चालक को सुरक्षा प्रदान करनी होती है उसका एक सिरा लाइन के साथ और दूसरा सिरा जमीन के साथ जोड़ा जाता है। साधारणतः पैलेट की चौड़ाई जो होती है हम 3/32 इंच होता है। अभी आप ये देख रहे हैं इधर की साइड में जो हमारा ये ऊपर वाला सिरा है ये लाइन का सिरा है, यहाँ लाइन से जोड़ दिया। और इसका जो दूसरा सिरा है ये अर्थ है, ये अर्थ आपका सिंबल, ये अर्थ का सिंबल बना हुआ है इस तरीके से, ये अर्थ का सिंबल है। और ये डॉटेड बॉल्स जो हैं वो बॉल की श्रेणी में जो जोड़ा जाता है ये लेड परऑक्साइड की कोटिंग के साथ किया गया है। तो ये हमारा हो जाता है, यही है पैलेट टाइप लाइटिंग अरेस्टर। इस प्रकार ये सुरक्षा प्रदान करता है, ऊपर से लाइन से जुड़ा रहता है, नीचे अर्थ से जुड़ा रहता है। अब इसमें वॉल्व टाइप अरेस्टर और थायराइड अरेस्टर भी आता है आगे, वॉल्व टाइप अरेस्टर एंड थायराइड टाइप अरेस्टर। इस प्रकार में देखिए इसमें हाई वोल्टेज सर्ज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा हाई। यह दो भागों से मिलकर बना है। आप इसमें ये जो ऊपर की तरफ डिस्क, ये डिस्क के आकार में होता है, ये देखिए ये जो पार्ट्स बना हुआ है ये डिस्क के आकार का बना हुआ है। इसमें कंपाउंड एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, लेकिन जब वोल्टेज एक निश्चित वॉल्व से अधिक होता है तब यह एक चालक की तरह कार्य करता है। ये इस तरीके का कंपाउंड है। ये जो डिस्क है ये नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसमें कम इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, लेकिन एक निश्चित वोल्टेज से अधिक होने पर ये एक चालक की तरह कार्य करने लगते हैं। तो जब जो काल चालक की तरह कार्य करते हैं, अभी इसमें देखिए यहाँ पे वो भी एक गैप भी है, ये प्रोटेक्टर ट्यूब लगी हुई है नीचे की तरफ। ये जो प्रोटेक्टर ट्यूब लगी हुई है ये कंडक्टर है, लेकिन ये वही कंडक्टर है जो नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर रहता है और बाद में अगर निश्चित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज आए तो एक चालक यानी कंडक्टर बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। तो इसमें हॉर्न गैप भी दिया हुआ है यहाँ बीच में। ये डायग्राम पूरा थायराइड वॉल्व टाइप थायराइड अरेस्टर का है। इसमें देखिए अर्थिंग एक इस सिरे को यहाँ से जो अर्थिंग का वायर आ रहा है ये यहाँ से जोड़ के आ जाता है, तो ये अर्थिंग का सिरा है इसमें। तो इस तरह से बिजली जो है अगर पड़ती है तो हाई वोल्टेज ज़मीन में सीधे जीरो पोटेंशियल पर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर हमारे लाइटिंग अरेस्टर का जो पूरा टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। यानी चार प्रकार के ही थे लाइटिंग अरेस्टर। आपने पढ़ा पहला रोड गैप लाइटिंग अरेस्टर था, दूसरा था हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर, और तीसरा था पैलेट टाइप लाइटिंग अरेस्टर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, और चौथा है वॉल्व टाइप लाइटिंग अरेस्टर। इसमें सीरीज स्पार्क गैप और नॉन लाइनर रेजिस्टेंस डाइज दो भाग होते हैं इसमें, सीरीज इस वाले डायग्राम इस वॉल्व टाइप लाइटिंग अरेस्टर में। तो ये दो प्रकार दो भागों में बटा हुआ है, सीरीज स्पार्क गैप और नॉन लाइनर रजिस्टर डाइस में। तो इस प्रकार इस टॉपिक में आपको यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी आज हम दूसरा टॉपिक भी शुरू कर रहे हैं अंडरग्राउंड मेथड। अभी हमने ओवर जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन थी तो उसमें ओवरहेड लाइन के पार्ट्स पढ़े थे हमने, तो अब अंडरग्राउंड मेथड्स में हम पढ़ेंगे इसको। तो जब पावर को ट्रांसमिट करना हो या ओवरहेड सिस्टम के अंदर कठिन होता है तो वहाँ पर पावर ट्रांसफर यानी पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना अंडरग्राउंड मेथड के थ्रू केबल के द्वारा कहता है। आजकल बहुत ये चल रहा है, रोड लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स है, सभी जगह अंडरग्राउंड की मांग बढ़ रही है। यह प्रणाली अधिक महंगी व मेंटेनेंस पॉइंट पर व्यू से कठिन है,
लेकिन फिर भी बचाव व रिलेबिलिटी पॉइंट पर वीओ से अधिक सफल है। तो एक केबल एक या एक से अधिक चालकों से मिलकर बनी होती है, उसमें एक कोर केबल में एक साथ चार वायर होते हैं और ऊपर से कवरिंग होती है, तो वही केबल कहलाती है। तो आज हमने इतना ही बताया, तो केबल के पार्ट्स वगैरह क्या क्या होता है ये सब हम कल पढ़ेंगे। इस टॉपिक में आपको यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।